बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को अपनी हिफाजत के अंदर रखें। तो जो वफाके वज़ीर तालीम है शफकत महमूद, उन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी अभी उन्होंने एक न्यूज़ के अंदर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने आप लोगों के इम्तहानात के बारे में बताया है। आया कि आपके इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं या नहीं, तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको अभी मैं स्क्रीन पर सारी वीडियो चला कर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रूफ के साथ बताई जाती हैं, ताकि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना पॉइंट क्लियर कर सकें। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पेपर कैंसिल नहीं हुए, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पेपर कैंसिल नहीं हुए। सुनिएगा इस वीडियो को, वीडियो के अंदर उन्होंने क्लियर वे के अंदर अच्छे तरीके से बता दिया है सारा कुछ। उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक इस तरह की रियल एजुकेशन न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहें। चलिए आपको लेकर चलता हूँ उस वीडियो पैगाम की तरफ के, उस वीडियो के अंदर शफका महमूद साहब ने आपके इम्तिहानात के बारे में क्या बात कही है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद साहब। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। पार्लियामेंट के हवाले से भी बात करते हैं, कुछ नून लीग के मुतालबे हैं, कुछ वज़ीर आज़म की चीनी कमीशन के सामने पेशी, उस पर भी। लेकिन इस वक्त बहुत से तलबा ये जानने की ख्वाहिशमंद हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि जो आपने पॉलिसी अनाउंस की है उसमें जो कन्फ्यूजन हैं उसमें क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? अर्शद, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली तो बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बच्चों की सेहत की खातर हमने स्कूल 15 जुलाई तक बंद कर दिए, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों की सेहत की खातर, और चूंकि 40 लाख बच्चे इम्तिहान का देने का प्रोग्राम था तो ये बहुत ज्यादा तादाद थी, हमने कहा कि ये भी एक खतरा बन सकता है, इसलिए हमने सारे इम्तिहान जो है वो मुलतवी नहीं किए, मनसूख कर दिए। उसके बाद जो एक ब्रॉड सा फॉर्मूला रखा कि जी जो उनके पिछली क्लास के बोर्ड के इम्तिहान के रिजल्ट होंगे उसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उसमें कई छोटे छोटे 80% बच्चे तो इसके इसमें सेटिस्फाइड हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर शफका महमूद का कहना है आपके इम्तिहानात मुलतवी नहीं किए, ख़त्म कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं। अब आपके इम्तिहानात जो हैं वो इस साल नहीं लिए जाएंगे, कोई भी आपका इम्तिहान जो है इस साल 2020 के अंदर नहीं लिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई और अपडेट आती है आप लोगों के इम्तिहानात के रिलेटेड, उसी वक्त वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह की एजुकेशन न्यूज़ की वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आई होप आपका जितना भी डाउट होगा आपके इम्तिहानात के रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का, ठीक है, इम्तिहानात के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना उनका मैं साथ साथ रिप्लाई करता रहता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से जल्द अज जल्द महफूज फरमाए, ताकि हम सब अगले साल की प्रिपरेशन जो है, अगले साल की तरीमी सरगर्मियाँ जो हैं उसे अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दे सकें।